हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है? दोस्तों, जैसे हम छोटे बच्चे रहते थे, जब मम्मी से पापा से 1 रुपया या 2 रुपया ले लेते थे, तो उसको हम अपना, जैसे हम मुझे 5 रुपया मिल गया या 2 रुपया, उसमें से हम कुछ तो खर्च कर देते थे और कुछ जाके गुल्लक में डाल देते थे। हमारे पास छोटे छोटे के पास गुल्लक रहता था, तो वही गुल्लक लॉन्ग टाइम के लिए, जब हम उसको तोड़ते थे या उसको खोलते थे या निकालते थे उसमें से पैसा, तो गुल्लक फुल भरा रहता था। हम कितने खुश होते हैं, हाँ हमारे पास इतना पैसा हो गया। तो उसी प्लान को आज आपने, जब आप बड़े हो जाते, उसी प्लान को आज जारी रखना है। दोस्तों, अगर आप उस तरीके से भी चलेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी बहुत पैसा हो जाएगा। जैसे आपकी पेमेंट आई है, तो आपने लॉन्ग टाइम के लिए सोच लेना कि मेरे पास नेक्स्ट टाइम में भी कुछ पैसा रहना चाहिए। तो अपनी पेमेंट से आपने 10% या 5%, जितना भी आप वेट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं अच्छी जगह, या तो स्टॉक मार्केट में कर दो या म्यूचुअल फंड में कर दो, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले वहां पर इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों, आपकी पेमेंट 20,000 है, उसमें से आपने पहले महीने कर दिया 2,000 रुपया या 3,000 रुपया, तो आपने अगले महीने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया, इसमें 4,000 रुपया कर दिया। तो ऐसे ऐसे एक आपकी हैबिट हो जाएगी। या फिर नहीं कुछ किया, आपने जाके बैंक में जाकर अपना म्यूचुअल फंड खुलवा दिया, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं लगेगा। दोस्तों, ऐसे आपने कुछ ना कुछ अफेयर करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रिटर्न ले सकते हैं या आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा। तो ऐसे करें, जब आप लास्ट में जब पैसा निकालोगे ना दोस्तों, जैसे गुल्लक भी हम खुश हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही नॉर्मली जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, कितना पैसा मुझे पता लगा, कब कट गया मेरा, कब मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो ऐसे आपने सिस्टम से चलना है और ऐसे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है दोस्तों अपनी। उसके बाद दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का आज एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, ये जो कंपनी है, बिजनेस है रिफी कटरी जी का, इसका बिजनेस है, जो रिफी कटरी जी होता है, रिफी कटरी जी का जो दोस्तों बिजनेस होता है, ये जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग या गिलास मैन्युफैक्चरिंग या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम स्टील को नॉर्मल में गर्म करते हैं, तो वहां पर ये स्टील का खतरा रहता है खराब होने का, या गिलास को, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे इसकी ब्रिक्स होती है, उसको इस्तेमाल करने से इसको चाहे कितने भी हीट पे गर्म किया जाता है, ये इसको, जैसे गिलास हो गया, ये स्टील हो गया, ये सीमेंट हो गया, इसको खराब होने का खतरा नहीं रहता है दोस्तों, वहां पर इसकी जरूरत है, या इसके एटम की जरूरत पड़ती है वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, वहां से दोस्तों इसका बिजनेस चलता है। उसके बाद हम इसका जो इनकम 74% उसके रिफ्रिजरेटर से इनकम होती है, उसके बाद जो 22% इसको इसकी एटम से कंपनी को इनकम हो रही है। जो कंपनी के पास निर्माण सुविधा है, उड़ीसा और गुजरात में 2 निर्माण सुविधा, जो जहां से अपने एटम ये सामान को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद विलय, देखो कंपनी ने RHI इंडिया और RHI कैल्शियम विलय का प्रस्ताव के लिए भी आवेदन किया हुआ कंपनी को, आने वाले टाइम में विलय हो सकता है। उसके जो कंपनी का नाम है दोस्तों, RHI मैग्नीशियम इंडिया लिमिटेड। उसके जो दोस्तों देखे इसका मार्टी कैप्चर, हम 13,890 करोड़ का मार्टी कैप्चर, जो स्टॉक पे 42.3, जो बुक वैल्यू है 70.9, जो ये डिविडेंड दे रही है 0.29 का डिविडेंड दे रही है, जो ROC और ROE है इसकी, ROC 36.8, जो ROE है 29.3%, जो ROC है इसकी 29.3% दोस्तों, जो फेस वैल्यू है 1, जो सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की पिछले 10 साल में 21%, पिछले 5 साल में 31%, पिछले 3 साल में 39% कंपनी ने सेल में ग्रोथ किया है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का, 10 साल में 24%, 5 साल में 31% और 3 साल में 44% कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और जो हम CGR देखें कंपनी की, पिछले 10 साल में 36%, 5 साल में 37% और 3 साल में 53% से CGR बढ़ा है कंपनी का। और जब हम इसका रिजर्व देखें, रिजर्व कंपनी के पास अच्छा है, अच्छा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रिजर्व मेंटेन कर रखा है कंपनी, 1125 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 87 करोड़ का मात्र बोरिंग है, तो बोरिंग ना के बराबर है और रिजर्व बहुत अच्छा है। जो प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग कर रखी है दोस्तों कंपनी में, 70.19 की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो FL की होल्डिंग है 2.47, जो DL की होल्डिंग है 8.41 और जो पब्लिक होल्डिंग है 18.93 का। और जब हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, जून का 601 और सितंबर का 599 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। देखो दोस्तों, सेल थोड़ा सा कम रही है क्वार्टर रिजल्ट में, जो हम नेट प्रॉफिट देखें, जून और सितंबर का 82 करोड़ का
जून का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, वही सितंबर का 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। दोस्तों देखो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम रहा है क्वार्टर रिजल्ट में, वही हम एक साल का लो साइड प्रॉफिट देखें, 2021 का 1366 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2022 में 1991 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। वही नेट प्रॉफिट देखें 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था 2021 में, वही 2022 में 268 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। देखो दोस्तों साल का मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि लॉन्ग में आए इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग में इन्वेस्ट करें। देखो साल के लिए कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है या अच्छा ग्रोथ किया है, 136 268। देखो दोस्तों कंपनी ने साल के अंदर तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है, जो हम इसका शेयर प्राइस देखें 863 शेयर प्राइस चल रहा है, जो 5 साल का रिटर्न देखें 167, जो 1 साल का देखें 123। दोस्तों देखो रिटर्न भी अच्छा दे रही है कंपनी, 168 130, ना तो आप लोगों ने सेविंग अकाउंट में मिलेगा ये रिटर्न, ना कहीं और मिलेगा, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है में ही आपको रिटर्न मिल सकता है इतना। दोस्तों अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर है तो आप 2-3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं कंपनी, कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में हाई लेवल पे जाएगा। दोस्तों बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि स्टील में या गिलास में हर कंपनी ने इसकी बिजनेस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से अपनी पेमेंट से 2-3% की इन्वेस्टमेंट लेके चलना दोस्तों, क्योंकि मैं 2-3% की इन्वेस्टमेंट क्यों बोलता हूँ दोस्तों, एक कंपनी में पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना दोस्तों, आप थोड़ा करिए। अगर आपने एक कंपनी में लॉस भी हो रहा है तो दूसरी कंपनी को आपने प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों का मेंटेन हो जाता है, ये नहीं है कि एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा लिया पूरा लॉस में चला गया। दोस्तों इस हिसाब से आपने अपना हिसाब किताब लगा के या अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तरीके से इन्वेस्टमेंट कर जो दोस्तों। उसके बाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने जाना दोस्तों, सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और कुछ नहीं है दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए प्लीज सपोर्ट कर दिया करो दोस्तों।